वेलकम टू स्टेप अप आई। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 15 दिसंबर 2018। तो आइए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बातें फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में हैं। 17 दिसंबर से हिस्ट्री के साथ इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन कोर्सेज अनाउंस्ड हैं, जहाँ पर क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ आप पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम में 70 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटीरियल। एट द सेम टाइम आपके पास एक कोच होंगे जो आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपको टारगेट देकर आपको सेल्फ स्टडी करवाएंगे। इन बिटवीन कोई भी डाउट होगा तो वो उसे भी क्लियर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं और ऐसे राइटिंग में देखते हैं आज हमारे पास क्या है। बी आर अम्बेडकर जी का एक स्टेटमेंट हमारे पास है, अ ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। देखिए, एक ग्रेट व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एमिनेंट होना दूसरी चीज़ है, ग्रेट होना दूसरी चीज़ है। हो सकता है कि आप बहुत ग्रेट हों अपने डीड्स में, अपने कामों में, लेकिन आप एमिनेंट ना हों, आपको लोग जानते ना हों। लेकिन एमिनेंट व्यक्ति में और ग्रेट व्यक्ति में एक अंतर होता है कि जो ग्रेट व्यक्ति होता है वो हमेशा सोसाइटी को सर्व करने के लिए रेडी होता है। ऐसा बी आर अम्बेडकर जी का मानना था। तो अगर आप महान हैं, आप ऐसा मानते हैं और आप बेहतर करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, तो आपको भी अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस में केवल 2 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और बाकी के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सभी पॉलिटिकल आर्टिकल हैं, जिन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट एक आर्टिकल क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे हम द इकोनॉमिक टाइम्स से डिस्कस करेंगे। तो 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस से और 1 आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है वो द इंडियन एक्सप्रेस का है, राफेल डील के बारे में। पेपर से आप टॉपिक को जोड़ सकते हैं, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। राफेल डील के संबंध में कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, आखिर इंडिया को राफेल फाइटर्स की आवश्यकता क्यों है? इंडियन एयरफोर्स को अभी 44 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है, लेकिन इंडिया के पास अभी केवल 34 स्क्वाड्रंस ही हैं। 44 स्क्वाड्रंस हमारे लिए ज़रूरी हैं अगर हम चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को अच्छे से टैकल करना चाहते हैं। तो अभी देखिए, जो 14 स्क्वाड्रंस हैं, स्क्वाड्रंस को आप ग्राउंड लेवल पे जो फोर्सेस हैं उनके कंपैरिजन में बटालियन कह सकते हैं। अभी जो 14 स्क्वाड्रंस हैं वो MiG-21 और MiG-27 जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी जीड सीड अवस्था में हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। और जो सर्विसबिलिटी है Sukhoi-30 MKI की, वो भी अभी अच्छी तरीके से हम फंक्शन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो इंडिजीनियसली हम तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है। और जो फाइनल क्लियरेंस है या फिर जो Mark 2 है उसका इस्तेमाल तो शायद हम 2021-2022 में ही कर पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाने हैं जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, कि हम रशिया के साथ मिलकर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनको तैयार कर सकें। तो उसमें भी अभी कुछ खास हो नहीं पा रहा है। इस स्थिति में आवश्यकता महसूस हुई कि हम कुछ फाइटर जेट्स को दूसरे देशों से खरीद लें ताकि जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर लिया जाए। तो अगस्त 2007 में इसी बात को संज्ञान में लेने हुए, एट दैट टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने 126 फाइटर्स की खरीद के लिए बिडिंग को इनवाइट किया, जिसमें से बात ये थी कि जो 18 जेट्स हैं वो 36 से 48 महीनों के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसे देना होगा, और बाकी की जो 108 फाइटर जेट्स होंगे उन्हें अगले 7 सालों में जो हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो उस कंट्री के साथ मिलकर ज्वाइंटली डेवलप करेगा। अप्रैल 2011 में कई सारी कंट्रीज देखी आ गई थी बिडिंग के लिए, तो जो अमेरिकन FA-18 और F-16 था उसे रेस से बाहर कर दिया गया। स्वीडिश क्रिपन और रशियन MiG-35 को भी रेस से बाहर कर दिया गया। अभी केवल 2 फाइटर जेट्स थे जो कि इस समय काफ़ी कंपटीशन में थे कि इंडिया किसके साथ बिडिंग लेगा। एक तो राफेल फ्रांस का और दूसरा यूरोफाइटर्स यूरोपियन यूनियन का, यूरोफाइटर टाइफूनस हम कह सकते हैं उन्हें। तो इन दोनों के बीच में बिडिंग चल रही थी। अल्टीमेटली जो फाइनल नेगोशिएशंस हुए वो हमारे राफेल के साथ हुए, जो फ्रेंच राफेल कंपनी थी जिसे जो फ्रेंच कंपनी है डेसॉल्ट वो डेवलप कर रही है, बना रही है, उसके साथ हमारी डील फाइनल हो गई। अप्रैल 2015 में हमें पता है पुरानी सरकार जा चुकी थी, नई सरकार आ चुकी थी, इस डील को लेकर कुछ डेडलॉक्स आ गए। पहले तो जो डेसॉल्ट कंपनी है जो कि राफेल को डेवलप कर रही थी उन्होंने हेल के साथ इस चीज़ को डेवलप करने से इनकार कर दिया, और दूसरा उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिया। तो सरकार ने इसे प्राइवेट कंपनीज, ये जो प्राइवेट तो नहीं कहेंगे, जो कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना था उसे हटाकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड को इस्टेब्लिश किया। लेकिन सरकार ने जब राफेल की डील की फ्रांस के साथ
तो कई तरीके के आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर लगाए गए। जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उनका आरोप ये है कि जब उन्होंने इस डील को साइन किया था फ्रांस के साथ, तो एक राफेल को 526 करोड़ रुपए में फाइनल किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसी डील को 1670 करोड़ में फाइनल किया है। मतलब कि लगभग 3 गुना कीमत दी जा रही है एक फाइटर जेट की कंपैरेटिवली लास्ट बिडिंग, जैसा कि पिछली सरकार ने किया था। तो ये आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर लग रहे थे, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पर अब हम जानेंगे, जो कि आर्टिकल में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को इस मुद्दे पर अपना डिसीजन दिया। वो PILs को डील कर रहे थे जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो खरीद फरोख की गई है 36 राफेल फाइटर्स के लिए, उनमें इरेगुलरिटीज हुई हैं। लेकिन फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी ये लीगल टेस्ट को पास नहीं कर पाई। कंट्रोवर्सी दो आधार पर थी, पहला तो फाइटर जेट्स के लिए ज़्यादा प्राइस पे किया जा रहा है, दूसरा पहले जो डिसॉल्ट कंपनी थी वो हेल के साथ इस डील को फाइनल करने वाली थी, जॉइंटली डेवलप करने वाली थी, लेकिन बाद में इस डील को रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया। मतलब कि एक प्राइवेट एंटिटी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। ये दो आरोप लगाए गए थे। जुडिशरी के पास ये मैटर 2 महीने पहले पहुंचा था, 4 PILs दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक इन्वेस्टिगेशन की जाए जो इरेगुलरिटीज़ हैं इस पूरे मुद्दे पर उस बारे में। लेकिन फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान सरकार को दोष मुक्त कर दिया, जो कोई भी गलती के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे उस लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो डिसीजन दिया गया है वो प्राइमरली आर्टिकल 32 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके स्टैंड पॉइंट से दिया गया है। आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 32 जिसके तहत रिट्स जारी करने की एक जो पावर है वो कोर्ट्स को दी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लिमिट करता है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइसिंग परचेज प्रोसेस और जो सॉवरेन गारंटी है उन चीज़ों के इश्यूज़ को डील नहीं कर सकता। इसीलिए राफेल कॉन्ट्रैक्ट का जो मुद्दा है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बहुत डीप में नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस में जो पैरामीटर्स थे उनको जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके अंतर्गत रहते हुए ही अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इन डेप्थ एग्जामिनेशन से भी दूर रखा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, डिफेंस का है, इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्होंने पूरे मटेरियल को बहुत ही केयरफुली स्टडी किया है और जो उन्होंने इंटरेक्शन भी किया हुआ है सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स से और वो सेटिस्फाइड हैं कि अभी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। वो सेटिस्फाइड हैं कि कोई भी प्रोसेस में डाउट वाली बातें नहीं हैं और अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं भी तो उसका इस डील पर बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कॉशन दिया कि किसी इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है वो इतनी बड़ी डील को प्रभावित नहीं कर सकता और मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि जो एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस हैं उसे सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहकर ही जांचेगा परखेगा और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में वो इंटरवीन नहीं करेंगे ताकि एग्जीक्यूटिव अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छे से कर सके। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया है कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक लाइन है उसको रेस्पेक्ट किया जाए और सभी अपने अपने डोमेन में अच्छी तरीके से काम करें। कंक्लूजन में कुछ बातें बताई गई हैं जो अपने आंसर्स के कंक्लूजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो ऑफकोर्स इस क्वेश्चन को जो सरकार है उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन का हक होता है कि वो सरकार से सवाल पूछें और यही डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी भी है कि अपोजिशन पार्टीज़ किसी भी मुद्दे को रेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है तो लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ओपन हैं कि वो सरकार से अभी भी इस मुद्दे पर जो कुछ भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अभी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रही हैं जो इस पूरे प्रोब को लीड करे और इसे पूरी अच्छी तरीके से डील करे। तो ये पूरा इशू हमने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल हम द इकोनॉमिक टाइम्स से डिस्कस करेंगे। नई टेक्नोलॉजीज़ को ये हाईलाइट करता है क्लाइमेट चेंज के इशू पर कि ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेपर 3 से हम टॉपिक को जोड़ सकते हैं। तो आइए इस इशू पर बात करते हैं। देखिए, इंडिया का जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एक चीफ ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्लाइमेट चेंज को ये आगे बढ़ा रहा है, इसमें जो इंडिया का एमिशन है वो सबसे तेज रहा है 2018 में और ये डेटा बताया गया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा। इसने अभी अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया है। हालांकि जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में वो अभी भी चाइना, USA और यूरोपियन यूनियन से कम है, लेकिन इस आधार पर इंडिया को जो अपने ऑब्लिगेशंस हैं उनको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। इंडिया को लगातार प्रयास करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का वो कार्बन की इंटेंसिटी को ना बढ़ाए और क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट ना करे।
बल्कि एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करने में मदद करे। इंडिया को अपने लिए सोचना चाहिए बजाय इसके कि जो अदर कंट्रीज़ कर रही हैं हम उसे फॉलो करें। इंडिया अभी भी एक पुअर कंट्री है और जैसे जैसे इंडिया प्रॉस्पर होगा इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो हो सकता है हमारे पोल्यूशन का लेवल भी बढ़े। लेकिन अब देखिए इसके दो विकल्प हैं, या तो हम क्लाइमेट को बचाने के लिए अपनी ग्रोथ रोक दें और एमिशन को ना करें, लेकिन ऐसा इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया पॉवर्टी में केवल इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हम बाकी दुनिया के देशों को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम ग्रोथ ऐसे करें कि जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो और लोगों को इस चीज़ का नुकसान ना झेलना पड़े। तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि हम नई एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को जेनरेट करें जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को जब भी बढ़ाए तो जो फॉसिल फ्यूल्स का लेवल है वो बढ़ने ना पाए। हम फॉसिल फ्यूल्स के जरिए जो एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मोनोडाइऑक्साइड का या फिर ऐसी गैसेस का जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उसके लेवल को कम कर सकें। एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आ चुका है हम उसे रिमूव करें। इसके लिए हम पेड़ों को ज़्यादा लगा सकते हैं, फॉरेस्ट कवर को इन्हेंस कर सकते हैं या फिर इनोवेटिव मेजर्स अपना सकते हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के, जिसके जरिए हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को समेट सकते हैं, उसे कहीं पर डंप कर सकते हैं कोल माइंस में, खाली केव्स में, और इस काम को हमें बड़ी तत्परता से करने की आवश्यकता है। इक्वली इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व किया जाए ताकि हम एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर कर सकें। जो अर्बन प्लानिंग है, हैबिटेट डिज़ाइन है, उसे ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए जो कि हमारी प्रॉस्पेरिटी को तो आगे बढ़ाए लेकिन उसमें जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोल्यूटिंग ना हो और वो हमारे क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। पांचवी बात की जो हमें हाइडल पोटेंशियल है हिमालयन नेबरिंग कंट्रीज़ के, उनको भी टैप करने की कोशिश करनी चाहिए और जो क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ हैं हमें उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए इंडिया को इस फील्ड में लीडर होना चाहिए, क्लाइमेट टेक में फॉलोअर नहीं होना चाहिए। हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करना चाहिए ताकि हम भविष्य में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको और बेहतर तरीके से डील कर सकें। ठीक है, अगला आर्टिकल इन कोलंबो अवे आउट पेपर टू से आप टॉपिक को जोड़ सकते हैं यहाँ पर बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर क्या बातें बताई हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है श्रीलंका की, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट दिया है। जो प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरीसेना हैं उन्होंने 26 अक्टूबर को वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे उनको उनके पद से हटा दिया और जो कि ओल्ड राइवल हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे महिंदा राजपक्षे, उनको रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर स्थापित कर दिया। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने देखिए, हालांकि देखिए एक क्वेश्चन मार्क ये है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि श्रीलंका की पार्लियामेंट ने 19वें अमेंडमेंट में ये साफ किया था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को उनके पद से नहीं हटा सकते और ना ही वहाँ की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसा किया, इस चीज़ को चैलेंज किया गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो कि 7 मेंबर की बेंच इस पूरे इशू को डील कर रही थी, उन्होंने जो प्रेसिडेंट है उनके जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए श्रीलंका जो है वो अभी भी दिक्कतों से बाहर नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राजपक्षे को ये स्कोप दे दिया है कि वो अपनी अपील कर सकते हैं कि वो पीएम के तौर पे अभी भी फंक्शन करें। हालांकि सिरीसेना के पास अभी भी एक ऑप्शन बचा हुआ है कि मेजॉरिटी का इस्तेमाल करें और रानिल विक्रमसिंघे को उनके पद पर बैठाने का प्रयास करें, बट देखते हैं आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने आएगा, हम उसे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास इंटरव्यू का है, आप मुझे बताइए कि सोशलिज्म शब्द का अब क्या मतलब रह गया है, क्या रिलेवेंस रह गई है हमारे प्रीएम्बल में, जबकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर मार्केट ओरिएंटेड हो गई हैं। इस स्थिति में क्या अभी भी ये जो सोशलिज्म शब्द है इसका औचित्य, इसका महत्व बना हुआ है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।